नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों को वेलकम करता हूं YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका किसी भी तरह का इंडस्ट्री है, लाइक क्रशर इंडस्ट्री है या आपका जो है स्पॉन्ज आयरन का प्लांट है या किसी भी तरह का प्लांट है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जितने भी सारे इंडस्ट्री प्लांट होते हैं तो उसको जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है NOC लेना पड़ता है। यानी कि फ्रेंड्स वहां पे CTE और CTO लेना पड़ता है। CTE का मतलब होता है कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट एंड CTO का मतलब होता है कंसेंट टू ऑपरेट। तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है आपको कंसेंट टू ऑपरेट फाइनली लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंड्स अगर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अगर सिटी या सिटीओ के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं पूरा लाइव दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आप अपने इंडस्ट्री के लिए अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सारे सर्विस जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो झारखंड स्टेट के लिए होने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपका झारखंड में किसी भी तरह का इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है NOC लेना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। मैं इस पेज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए साइनअप का बटन है, आपको साइनअप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टर। और यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ये कैप्चा इसमें फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके मेल आईडी पे जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है और उसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू जो है आपको इसमें लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ वापस क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा इसमें फिल करना पड़ेगा और इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आप अपने पोर्टल पे यानी कि आप अपने डैशबोर्ड पे आ चुके होंगे। तो यहाँ पे आप फ्रेश होंगे तो आपको सबसे पहले अप्लाई CAF यानी कि कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले फिल करना पड़ेगा। आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, किस लोकेशन पे है, लोकेशन भी आपको सारा मेंशन करना पड़ता है। जब आप पूरा मेंशन कर लीजिएगा इसके बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपने प्रोफाइल बनाया हुआ यानी कि जो भी आप अपने इंडस्ट्री को ऐड किए हो तो आपका इंडस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन कैफे, तो आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि फ्रेंड्स हम लोग सारे काम करते हैं इंडस्ट्री का। अगर आपको फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए तो हम लोग फैक्ट्री लाइसेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस क्लाइंट का फैक्ट्री भी लाइसेंस अप्लाई करके दिया है और इसका अप्रूवल भी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम लोग देते हैं। हजारडस वेस्ट का अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो फ्रेंड्स हम लोग उसका भी लाइसेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा CIPET से जो है आपको अगर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें भी जो है हम लोग आपको पूरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स कई तरह के जो है सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हमारे सर्विस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और बात करेंगे आप अपने इंडस्ट्री के लिए जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको एड न्यू सर्विस से क्लिक करना पड़ेगा और डिपार्टमेंट नेम है आपको यहां पर जो है झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सर्विस नेम है, सर्विस नेम में अगर आपने CTE अगर नहीं लिया है एयर वाटर का तो सबसे पहले आप इसके लिए अप्लाई करेंगे अपने इंडस्ट्री के लिए। जब आपको CTE मिल जाएगा तो आपको 6 महीने के अंदर जो है आपको कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अप्लाई कर देना है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि CTE जो है आपका 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। तो यहां पे हम लोग CTE के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर लिए हैं तो अब हम लोग को क्या चाहिए, CTO चाहिए यानी कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए। किसका चाहिए, एयर वाटर दोनों का चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंसेंट टू ऑपरेट एयर वाटर का दोनों दिया गया है तो हम लोग इसी को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को रिन्यूअल करवाना है अपना CTO तो फ्रेंड्स वैसे लोग जो है यहां देख सकते हैं CTO रिन्यूअल अंडर वाटर एक्ट है। तो अगर आपको एयर वाटर दोनों को करना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंसेंट टू ऑपरेट रिन्यूअल अंडर एयर एंड वाटर एक्ट लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो, ठीक। आप अपने हिसाब से यहां पे आप सर्विस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने में जो है इस तरह से पॉपअप आएगा, आपको यस कर देना है। यहां पे करने के बाद जो है आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कंसेंट टू ऑपरेट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स का टैब ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ गया है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है आपको एफिडेविट आपको करवाना पड़ेगा अपने
एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का, क्या एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि आपने जब सीटी लिया है तो इसके बाद जो है आप कोई भी एक्सपेंशन नहीं किए, इसका एफिडेविट आपको बनाकर सबमिट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। इसके बाद जो है जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कंपनी तरफ से कर रहा हूं तो मेरा जो है ऑथराइजेशन कंपनी के लेटर हेड में होना चाहिए, तो उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन अंडर हजार्डस एंड अदर वेस्ट, अगर आपका इंडस्ट्री रेड कैटेगरी में आता है तो फ्रेंड्स आपको ये सबमिट करना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखें। अगर नहीं आता तो ये मैंडेटरी नहीं है, क्लियर। इसके बाद जो है कॉपी ऑफ सीटी एंड सीटू विथ कंप्लायंस रिपोर्ट विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी फ्रेंड्स अगर आप रिन्यूअल कर रहे होंगे तो उस केस में जो है आपका सीटीई और सीटीओ उसका जो है कंप्लायंस रिपोर्ट जो है आपको लगेगा, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये रिन्यूअल के केस में लगेगा, अगर रिन्यूअल नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ इमिशन, इमिशन का जितना भी सोर्सेस है सारे का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ता है, तो आप सारे का डिटेल्स यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। देन इसके बाद डिटेल्स ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट विद डिजाइन इफ एप्लीकेबल, ये भी मैंडेटरी नहीं है इसमें। इसके बाद जो है आपको डिटेल्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंटेड, अगर आपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंप्लीमेंट किया तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। देन इसके बाद यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, तो आप वन बाय वन करके सारे रीड कर ले, टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं कि अगर न्यू आप एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप सीटीओ के लिए अप्लाई करें तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, इसमें जो है सारा डॉक्यूमेंट मिक्स है। अगर आप रिन्यूअल करते हो उसका भी डॉक्यूमेंट मिक्स है। इसके बाद अगर आपके इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुआ है तो फ्रेंड्स उसका कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट जो है आपको एनुअली सबमिट करना पड़ता है। आपको पता है कि हर एक महीने के 30 सितंबर से पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो है इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो वो रिपोर्ट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने लास्ट सीटीओ जो लिया था उसका सही तरह से कंप्लायंस किया है कि नहीं। कंप्लायंस में जो है आपका एयर वाटर का जो है आपका रिपोर्ट भी रहता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका नॉइस का भी रिपोर्ट रहता है, तो ये तीनों रिपोर्ट जो है आपको लगाना इसमें अनिवार्य है। देन इसके बाद जो है आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपको इसमें सीए सर्टिफाइड करके आपको देना पड़ता है। इसके अलावा लैंड डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा जिस लैंड पे जो है इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आपके यूनिट का यानी कि आपके इंडस्ट्री का यहाँ पे लगेगा। तो देखिए आपका जो इंडस्ट्री जहाँ पे भी सेटअप होगा था उसका चार कॉर्नर पॉइंट का जो है आपको लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, उसको आप लेटर हेड पे भी लिख के आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप दे सकते हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, इसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अरेंज है, तो हम लोग डायरेक्टली अब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल जो है आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास में इस प्रकार से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन करना है, तो सिंपल आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा तो क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री का डिटेल आपको फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री नेम रहेगा तो आप इंडस्ट्री नेम फिल कर दीजिएगा। स्टेटस क्या है, अगर ऑपरेशनल है या आपका प्रपोज है तो इसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो इंडस्ट्री है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। यहाँ पे कमिशनिंग मंथ ईयर, तो किस महीने में या किस साल में स्टार्ट हुआ तो वो आपको देना पड़ता है। इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, जो आपको फैक्ट्री लाइसेंस नंबर होगा वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री का लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मैंने आपको बताया था कि देना अनिवार्य है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो आपको बताना पड़ता है, और यहाँ पे एड्रेस आपको पूरा देना है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे ईमेल आईडी फोन कॉन्टैक्ट नंबर सारा मेंशन कर दीजिएगा। और फाइनली जो है आपको सेकंड स्टेप पे आना है, ऑक्युपायर पे। ऑक्युपायर पे भी जो है आपको पूरा जो भी उसका मेन प्रोप्राइटर होगा उसका पूरा नाम फिल करना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अदर में आएंगे, अदर में जो है यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर लगता है कि ये सारे का आपके पास में आंसर है तभी आप दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इसमें जो कि आपके इंडस्ट्री के लिए वैलिड नहीं होता है, तो उस केस में जो है आप नॉट अप्लीकेबल आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको खाली ना रखें, ठीक है। तो देख लीजिएगा कंसेंट मेड फॉर पीरियड अप टू इन ईयर्स, कितने सालों के लिए आपको कंसेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली 5 साल के लिए चाहिए मेरे क्लाइंट को, तो मैं 5 साल यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे देखना द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पे कितना आप एस्टिमेट करेंगे, तो इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कितना एस्टिमेटेड यहाँ पे खर्च है, तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। देन इसके बाद जो है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द इंडस्ट्री एंड ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू डेट एंड प्रोग्रेसिव अचीव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ
एफिलुएंट, तो यहाँ पे अगर लगता है ये आपका वैलिड है आपके इंडस्ट्री में तभी आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लगा है वो आपको देना पड़ता है, तो ये जो हमारे केस में नहीं तो इसे हम लोग नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया फर्दर एक्शन दैट इज बिंग टेकन बाय द फर्म टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है तभी आप करें, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एरिया इन हेक्टर लिखना है, तो अगर आपका स्क्वायर मीटर में होगा तो उसको आपको हेक्टर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। लिख देने के बाद जो है आपको नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट पे आएंगे, प्रोडक्ट कौन कौन सा है वो आपको प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वो आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड पे सिंपल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट नेम लिखना है, कितना क्वांटिटी जो है रहेगा और रिजेक्ट कितना होता है, और यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या है, रिजेक्टेड और बाय प्रोडक्ट भी लिखना है, रॉ मटेरियल लिखना है, रॉ मटेरियल क्वांटिटी लिखना है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिखना है, प्रोसेसिंग केमिकल लिखना है और प्रोसेसिंग केमिकल क्वांटिटी और प्रिंसिपल यूज लिखना है, तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वन बाय वन करके सारे प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जो जो इस इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है, ठीक है। जब ऐड कर देंगे तो क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से, और ये सारा व्यू पे आप चेक कर सकते हैं, जितना भी आपने प्रोडक्ट ऐड किया वो आपका व्यू में शो करेगा। क्लियर, इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मटेरियल डिटेल्स आपको देना है तो आप यहाँ पे ऐड करके दे सकते हैं, अगर मटेरियल आपके इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, तो इसको हम लोग फिल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर इनकर फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पे देना पड़ेगा कितना आपका खर्च हुआ है, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा एयर पोल्यूशन में और यहाँ पे ईयर कर लीजिएगा, 2022 का करना है 2022 का सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे ईयर कंप्लीशन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इन डेट ईयर, तो कितना हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल जब ऐड करते हैं तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू पे जाकर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे डिटेल्स ऐड किया हुआ है। ऐड होने के बाद जो अब फी पे आएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 140 लाख है, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ ईयर से आपको देना पड़ेगा, 5 ईयर्स के लिए करेंगे कैलकुलेट करेंगे कितना फी लगेगा, 1,10,000 रुपये फीस आपका लगने वाला है, तो ये फीस आपको देना पड़ेगा। सिंपल आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे CTO के लिए मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, तो 1,10,000 आपको यहाँ पे लिख कर और फाइनली ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपका, देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, अगर लगता है देना तभी दिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ईयर इमिशन है, ईयर इमिशन में अगर आपको लगता है देना चाहिए तो दे सकते हैं, अगर चिमनी वगैरह है तो उस केस में आपको देना पड़ेगा, स्टैक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट के केस में नहीं है तो इसलिए हम लोग इसका डिटेल फिल नहीं करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि चिमनी है और उसका डिटेल फिल करना चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग इसको जरूर फिल कीजिएगा। और मैं बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं डेफिनेटली हम लोग सारे एप्लीकेशन करके आप लोगों को देते हैं। इसके बाद लास्ट का जो टैब है डॉक्यूमेंट्स का आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे मैक्सिमम 5 MB का ही करेंगे, 5 MB के अगर ऊपर का साइज होगा तो फ्रेंड्स आप इसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले अफिडेविट यहाँ पे अपलोड करते हैं, टिक आउट कीजिएगा और यहाँ पे ओके कीजिएगा, और यहाँ पे आपको चूज फाइल करना है, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स आपने रखा होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे देखना ये आपका यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा ऑथराइजेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वन बाय वन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपलोड करते चले जाएंगे। जब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे इसका सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। फिर यहाँ पे जितना भी टिकआउट किया ये नीचे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होगा, इसके बाद इसको क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पूरा एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से फिल कर लिया होगा तो इसके बाद क्या करेंगे आपको इस बॉक्स में टिक आउट करना है और कंप्लीट का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको इसमें सेलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, प्लीज एंटर इंडस्ट्री लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इसके अलावा प्लीज एंटर पर्सन रिसाइडिंग, तो ओके पे क्लिक करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री पे जाएंगे और यहाँ पे ये दो आपका रो छूट चुका है तो इसमें हम लोग फिल करना पड़ेगा डाटा को, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल करते हैं, इसको नीचे आ जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये आपका फाइनली पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ चुका है, यानी फ्रेंड्स अब जो है आपको 5 साल के लिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया तो 5 साल के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको मेक पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू करना चाहते हैं, ई वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं, या आप इसके थ्रू करना चाहते हैं, जिसके थ्रू करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, जो बैंक होगा आप उसको बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही कंफर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ वेट करना है और आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपके बैंक का। तो यहाँ पे जो भी यूजर होंगे आप उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पेमेंट रिमार्क्स लिख सकते हैं, किस लिए पेमेंट करें, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फीस लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है नीचे पे का बटन है, आपको पे के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका बैंक का जिस तरह से होगा उसके हिसाब से आपको फॉलो करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे पेमेंट के लिए तो देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस, यानी कि आपका पेमेंट यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है और आपका पेमेंट कन्फर्मेशन नंबर आ चुका है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सक्सेसफुली जो है अपने सीटीओ का पेमेंट 5 सालों के लिए कर लिया, जो कि 1,10,000 रुपये आपका हो रहा था। तो ओके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका चालान जनरेट होगा, है ना। तो देख सकते हैं ये आपका ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट है, आप इसको प्रिंट निकाल कर आप इसको अपने पास में रख लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट निकालने के लिए आपको सिंपल प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ प्रिंट पे करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे रिसिप्ट लिख देंगे। रिसिप्ट लेके सेव कर देंगे, है ना। इसके बाद जो है आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा होगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास में इस प्रकार से कंसेंट एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ये एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आपको नीचे जाना है और नीचे अगर आप अपना एप्लीकेशन जो है यहाँ से व्यू कर सकते हैं, तो व्यू कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको ईयर और वाटर का यहाँ पे दिखेगा, तो ईयर वाटर का भी जो है आप यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म ईयर डाउनलोड हो गया और इसके बाद जो है वाटर का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वाटर का भी फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो अब आपको देखना है कि आपका जो ये सबमिट हुआ ये किस स्टेटस में। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होम पे जाना पड़ेगा। होम पे जाएंगे और होम पे जाने पर कंप्लीट एप्लीकेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन नहीं होगा, तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया वो एप्लीकेशन नंबर रहेगा और डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट रहेगा, एप्लीकेशन फॉर बोथ हो गया और किसके लिए एप्लीकेशन है, यहाँ नेविटिया माइंस एंड इंडस्ट्री के लिए हुआ, किसके लिए हुआ है सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट के लिए हुआ और स्टेटस क्या है अभी इन प्रोग्रेस है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है अभी रिव्यू किया जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। अगर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लगेगा कुछ गलत है तो फ्रेंड्स आपको क्लेरिफिकेशन आपको सेंड करेगा, तो आपको उस क्लेरिफिकेशन का जवाब देकर आपको फॉर्म को रिसबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद ही जो है आपका आयर बनेगा। आयर क्या होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो भी आपका रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वहां से टीम आएगी और आपके इंडस्ट्री में विजिट करेगी और इंस्पेक्शन करेगी, देन इसके बाद जो है आपका आयर बनाना पड़ता है। तो आपको पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जब भी आयर बनता है तो फ्रेंड्स उसमें जो है अनऑफिशियली खर्च ज्यादा होता है, तो वो सारी चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जरूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, डेफिनेटली हमारी तरफ से आपको पूरी गाइड की जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आपका सर्टिफिकेट आता तो आपको यहाँ पे दिखेगा अप्रूव में, तो आप लाइसेंस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको जो है advantage.jharkhand पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन किया था आपका इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड टू डिपार्टमेंट विथ पेमेंट बाई इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री हो उसके थ्रू सबमिट किया गया। यहाँ व्यू लॉग्स पे जाकर जो है आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। यहाँ पे सो स्टेटस लॉग करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे अभी का यानी कि आज के डेट के हिसाब से स्टेटस यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। यानी कि डिपार्टमेंट से रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया गया है आपके एप्लीकेशन का, क्लियर यहां तक। इसके बाद जो फॉर्म मैंने डाउनलोड किया था ईयर वाटर का, तो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको पहले ये वाटर का फॉर्म दिखा देता हूं। तो ये सीटीओ आपने अप्लाई किया था तो ये वाटर का है, तो ये आपको साफ साफ दिख जाएगा। यहां पे देख रहे हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद ईयर का भी मैं दिखा देता हूं, ईयर के लिए जो है आप यहां से ओपन कर सकते हैं और यहां पे चेक कर सकते हैं, ये जो है आपका ईयर वाला एप्लीकेशन है। तो दोनों कंबाइन एप्लीकेशन होता है, इसलिए यहां पे आपका एप्लीकेशन फाइनली किया गया है। तो फ्रेंड्स यहां तक अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से घर बैठे अगर आपके इंडस्ट्री को सीटीओ का एप्लीकेशन करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सारे सर्विस हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प करते हैं ये सारे लाइसेंस लेने में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।